सवाल है 50 सेंटीमीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले एक चालक तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है और दूसरे पदार्थ के, यहाँ देखिए पदार्थ दूसरा है ना, तो अगर पदार्थ एक सा होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होते हैं, लेकिन दूसरा पदार्थ है मतलब विशिष्ट प्रतिरोध अलग रहेगा। तार की लंबाई है 75 सेंटीमीटर, व्यास है 0.1 mm, प्रतिरोध है 1.2 ओम। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की करनी है तुलना, मतलब रो वन निकालना है, रो टू निकालना है और दोनों का अनुपात निकालना है, तो हो जाएगी तुलना। समझे मेरी बात को? तो अब इस सवाल को करने से पहले आप मेरी समझें बात। देखिए लंबाई दी है 50 सेंटीमीटर, आप चाहें तो इसे काय में कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, यहाँ नहीं तो आगे तो करना ही है। व्यास कितना है 0.2 mm, इसको क्या लिखेंगे रोहित, त्रिज्या हो जाएगी 0.1 mm, तो 0.1 मिलीमीटर वन 10^-3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो समझेगा जिसने किया है उसको ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो ये इसका मान 10^-1, इसका मान 10^-3, तो ये होगा 10^-4। फिर तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या आ गया, A1 बराबर पाई आर, यहाँ पे आएगा R1 square, फिर अपन इसको गणना करेंगे, ठीक है रोहित। R² का मान 10^-4 का मान 10^ कितना हो जाएगा, -R। फिर दूसरे तार का प्रतिरोध कितना, अभी तार का प्रतिरोध भी रहे कितना है 0.8। फिर विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे, क्या आएगा रोहित, R1 A1 upon L1। कैसे भी करके ये गणना करके जब रो1 निकल आएगा उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रो2। फिर रो1 और रो2 का क्या आएगा, अनुपात। लेकिन चूंकि आप अभिषेक से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है, ये सब गणना वरना कैलकुलेशन वैलकुलेशन गुणा भाग नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा, समझिए। जब भी हमें तुलना करनी होती है, क्या करनी होती है, तुलना, तो सबसे पहले तो हम मात्रक चेंज करनी होती है, बिकॉज अनुपात है तो कट जाएंगे, मात्रक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा आप लोगों को फायदा मिलता है। प्लस कोई भी चीज़ नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि तुलना के दौरान अनुपात के दौरान अधिकांश चीज़ें कट जाती हैं। जैसे जब आप क्षेत्रफल निकालते पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई का मान कितना रखते, 3.14, यदि जब तुलना करना है तो पाई से पाई क्या होना है, कैंसिल। तो जो बच्चे कुछ नहीं जानते, सीधे सिंपल है, तो पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे, ये खुद अपने आप में एक सवाल है। फिर दूसरे तार का निकालेंगे, फिर दोनों का क्या निकालेंगे, अनुपात। अपन कैसे करेंगे आयुष, पहले तार की लंबाई लिख ली कितनी, 50, चेंज नहीं करेंगे। व्यास लिख लिया कितना है, 0.12, त्रिज्या कितनी आ गई, 0.1, इनको चेंज नहीं करना। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, लेकिन इसकी गणना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रोहित गणना, क्योंकि गणना करोगे तो पाई का मान कितना रखोगे, 3.14, फिर 0.1, और गणना करने में मात्र चेंज करने पड़ेंगे आपको। फिर आ जाते हैं अपन तार का प्रतिरोध कितना दिया है, 0.8 mm, सही है। दूसरे तार की लंबाई कितनी है रोहित, 75 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। व्यास कितना है 0.1, त्रिज्या हो गई 0.1/2, कोई दिक्कत। आखिरी चीज तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या जाएगा, या सॉरी गलती ले हो, यहाँ पे आएगा A = πr² आप लिख लेना, ओके। चलिए हमें क्या निकालना है, रो1/रो2, रो1 होता है R1 A1/1, ये तो याद है कि ये भी याद है, R a/l, तो R1 A1/L1, R2 A2/L2, L1 आ जाएगा नीचे, L2 पहुँच जाएगा ऊपर, R1 A1/L2, R2 A2/L2। अब देखो आप मजा, हाँ A2 = πr² समझ ना, R1 का मान 0.8, ठीक है, देखो जरा R2 का मान 1.2, इसके मान नहीं रखे, पाई R1 square, पाई R2 square, क्यों, अब पाई से पाई क्या हो जाएगा, है ना। फिर L2 का मान 75, L1 का मान 50, दोस्तों ये दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 8/12, पाई से पाई R1 square / R2 square, 25 × 75, 25 × 50, सही है। यहाँ पे सॉरी 3/2 आएगा, कर लेंगे 3/2, ये काटेंगे रोहित तो 4 × 8, 4 × 3 = 12, इस R1/R2 का लिख लेंगे होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसको लिख लिया R1/R2 का होल स्क्वायर। देखो अभी भी R1/R2 का मान नहीं लगा, बिकॉज समय R1 कितना है 0.1, कौन कर रहा है 0.1 का स्क्वायर फालतू में, है ना, तो इसलिए मैंने अभी तक मान नहीं रखा है। ये यहाँ पे 3/2, अगले स्टेप में सही कर लिया मैंने, ठीक है, 75/50 आ गया 3/2, कोई दिक्कत। अब बेटा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, देखो कुछ मान नहीं रखने पड़े, केवल क्या बचा R1/R2 का होल स्क्वायर, R1 का मान 0.1,
और आर टू का मान 0.1/2। आप देखो मैंने 0.1/2 तक नहीं किया था, भाग तक नहीं दिया था, मुझे पता है 0.1 से 0.1 क्या हो जाएगा, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4/1 अनुपात। नहीं आया समझ, किसने ऐसे किया है, तो कैसे किया, सृजन ऐसे किया, तो ये अपना दिमाग का रोल कितना सरल हो गया, हर कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आ रहा हो तो कैसे काटा बिली, और अगर आप गणना करके करेंगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, जिनने किया वो समझते, लिख ली, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट, अगर बच्चे ध्यान से नहीं सुन दिक्कत हो जाएगी। एक चालक तार का विद्युत प्रतिरोध 100 μΩ, पहला तो मात्रक होता है विद्युत प्रतिरोध का ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर, यहाँ ओम को ही माइक्रो लिखा है, माइक्रो माने 10^-6 और सेंटीमीटर को भी 10^-2 मीटर, और ठीक है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिख गया है 0.4 mm व्यास वाले तार से 10 ओम प्रतिरोध कुंडली बनाने के लिए कितना लंबा तार लेना पड़ेगा, मतलब ये तार पूछ रहे हैं कि तार की लंबाई कितनी होगी, तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना है 100 μΩ, 100 को लिखेंगे 10^2, 100 को क्या लिखेंगे निशान 10^2, माइक्रो माने 10^-6, अब बचा ओम सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर के लिए 10^-2 तो हो गया ओम मीटर, समझ गए, हम इतनी बारीकी से इसलिए बनाए हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, स्लाइड इसलिए बनाए हैं ताकि जल्दी हो जाए, तुम बोर ना हो, चलो 10^2, 10^-2 क्या हो गए, हाँ तो क्या बचा फिर -6 ओम मीटर, इसी को चेंज नहीं कर पाते, पूरा सवाल गलत है, तार का व्यास दिया है 0.4 mm, त्रिज्या हो जाएगी 0.2 mm, अब 0.2 को लिखेंगे 2×10^-1, किसको 0.2 को, mm मिलीमीटर माने 10^-3 मीटर, ये हो गई 2×-1−3−6, कोई दिक्कत, तार का प्रतिरोध R बराबर कितना दिया है 10 ओम, रोहित हम जानते हैं विशेष प्रतिरोध सूत्र बताओ, R/L, L को यहाँ ले आओ, रो को यहाँ, कोई दिक्कत, अब मान अपन गलत क्यों रखे, मैं शुरू से ही सही मान लिखे, तो R की जगह क्या लिख दिया 10, सही लिखा है रोहित, रो की जगह 10^-6 और A की जगह πr², अब देखते हैं, पहले से क्षेत्रफल नहीं निकालता कभी, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा, अब देखो 10 पाई का मान 3.14 आर पे स्क्वायर है तो आर का मान 2 बार लिखा है 2×10^-4 2×10^-4 यहां तक कोई दिक्कत है पक्का, अब जरा समझो 3.14 सही है रोहित, 2×2 = 4 सही है, 10^1 - 6 ऊपर आई +6 - 4 - 7 गलती से लिख गया, यहां पे क्या कर लेंगे -4 - 4, तो इनका गुणा करेंगे तो 3.14 का 4 गुणा करेंगे तो आएगा 12.56, क्या आएगा 12.56, और 6 और 1 = 7, ये 4 रहेगा, इसको 4 पढ़ा जाए, -4 - 4 तो 6 में से 8 गए तो -1, समझ आया, यही आंसर है, आप चाहें तो दशमलव को एक स्थान क्या कर दें शिफ्ट, तो 1.256 मीटर, समझ आया सभी। अब हम इस बात पे गौर करेंगे, सभी लोग इस बात को बहुत गलत वे में ले लेते, मान से देखो अगर तुलना की जाए तो लंबाई दुगनी है तो प्रतिरोध भी क्या होगा दुगना होगा, और क्षेत्रफल दुगना है तो प्रतिरोध क्या होगा आधा होगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, ठीक है, तो ये सवाल जो है कई लोग मन ही मन कर लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते जो सवाल करने के बाद भी नहीं बनते, अब यहाँ पर गौर करिएगा ज़रा, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध क्या है आर, इसी पदार्थ के दूसरे तार की लंबाई समान, माने लंबाई ए की यही है और क्षेत्रफल कितना है 4a, उसका क्या निकालना है प्रतिरोध, आप सोचो कि क्षेत्रफल कितने गुना है 4 गुना है, और क्षेत्रफल प्रतिरोध के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो अगर क्षेत्रफल 4 गुना ज़्यादा है या 4 गुना है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका आंसर बिना ही करे क्या है 8/4, समझ आ रहा है किसी को नहीं आ रहा, तो ये कुछ बातें हैं जो सबको नहीं बनती, मैं खुद मानता भाई मैं नहीं सिखा पा रहा, बच्चे नहीं पढ़ रहे ध्यान से, और इसको करना कैसे करना है, जिससे बड़ा टाइप है तो होता भी है वैसे करना पड़ेगा, रोहित ऐसे थोड़ी कर सकते कि भाई अपन छोटे तरीके से कर लें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ करने का तरीका तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि तुलना हो रही है तारों, चलिए पहले तार की लंबाई क्या है
एल, क्षेत्रफल क्या है ए, ए वन का मान, प्रतिरोध कितना है आर, दूसरी तार की लंबाई ज्यों की त्यों लिखा ना, इसी पदार्थ के दूसरे तार की लंबाई क्या है समान, क्षेत्रफल फोर ए और प्रतिरोध पता नहीं है। चलिए चूंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं इसलिए पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर दूसरे तार का विशिष्ट प्रतिरोध, आर वन ए वन अपॉन एल वन बराबर आर टू ए टू अपॉन एल टू। देखिए ए वन का मान रखा है ए, एल वन का मान रखा है एल, ए टू का मान रखा है चार ए, एल टू का मान रखा है एल, एल से एल और कुछ ए से ए, आर वन बराबर आर टू इंटू फोर, आर टू का मान निकालिए आर वन बटे चार और आर वन हमारा क्या है आर है बराबर आर बटे चार, तो सही आ जाएगा ऑप्शन सी। समझ आया किसी को? और जो मैं पहले बता रहा था डायरेक्ट करने का वो समझ में आया किसी? ठीक है चलिए, सीबीएसई पीएमडी का क्वेश्चन है, नवंबर इतने क्वेश्चन ही अपने पास रहेंगे। एक तार का प्रतिरोध है आर, इसी प्रकार का एक और तार है, इसी प्रकार का एक और तार है, व्यास केवल क्या है दोगुना और दूसरे तार का निकालना है हमें प्रतिरोध, तो जैसे अभी किया है वैसे ही करना है, कुछ खास नहीं करना है। इसी प्रकार का मतलब है कि उसी पदार्थ का बना है, काय का बना है, तो सबसे पहले अपन वही लिख लेगा रोहित, आर वन ए वन अपॉन एल वन बराबर आर टू ए टू अपॉन एल टू, बाकी थ्योरी तुम लोग लिखोगे। अब मेरी बात को समझना, हम यहाँ से निकाल, अच्छा अपन ऐसा भी तो कर सकते रोहित, ये वाला ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है ये आर टू ए टू एल टू बाई आर वन है, विचार कर सकते हैं, तो आर टू बटे आर वन ए वन बटे एल टू और एल टू बटे ए टू, आई थिंक कन्फ्यूजन है कोई, है ना, ये ए वन है यहाँ पे और ए टू कहाँ आ जाएगा बटे में, और रोहित ये यहाँ पे L1 है, हैं तो ये आ गया L2 बटे L1, सही है। अब इन्होंने बेटा कुछ भी ये नहीं बोला है लंबाई के बारे में, बोला है इसी प्रकार का तार, मतलब L1 और L2 क्या होंगे बराबर होंगे, क्या होंगे, तो मैं कहूँगा अपन ऐसा नौटंकी ना करके अब यहाँ पे L ले लो, यहाँ पे भी क्या ले लो L, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा रोहित, अपना L से L क्या हो जाएगा, चलो ये हो गया कैंसिल। अच्छा और ए टू पाई आर टू स्क्वायर पाई आर वन स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया आर टू, सॉरी यहाँ पे आर टू बटे आर वन, आर वन बटे आर टू का होल स्क्वायर, नहीं आया समझ में, एक स्टेप बढ़ा दे बेटा। अब बच्चे कहेंगे सर ये बोल रहे हैं ब्यास दुगना है, आप त्रिज्या पढ़े, बेटा अगर ब्यास दुगना है तो त्रिज्या भी दुगनी ही होगी, बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता, तो बस इन्हें बोला है अन्य तार का व्यास केवल दुगना है, मतलब जो D2 है वो D1 का क्या है दुगना है, D2 जो है वो D1 का क्या है दुगना है, तो R2 है जो R1 का दुगना, समझ में आया रोहित, यहां मान रख देंगे बेटा कैपिटल R2 बटे R1 की जगह क्या रख दिया कैपिटल R, R1 का मान रोहित सॉरी R1 और ये आ गया 2R1, R2 टू या क्या लिख देंगे 2R1, R1 से R1 कैंसिल, R2 R 1 बाई फोर, R2 बराबर R बटे चार, या अभी आगे की स्टेप एक बटे चार माने होता है 0.25, क्या होता है 0.25, तो R2 बराबर 0.25 R।